जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और यहां इसमें जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। इस वीडियो में कम्प्लीट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आने वाली शिफ्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आपको पढ़ के जाना है। यदि आपका जो एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट, हालांकि सेकंड वाली तो नहीं देखेंगे, लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम कल परसों या फिर आने वाले समय में कभी भी है तो कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले समय में है तो आपको किस नंबर पर क्वेश्चन सेंड करने हैं, नंबर नोट कीजिएगा 6260106958, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पर आपको क्वेश्चन सेंड करने हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, एग्ज़ाम से घर तक आपके मोबाइल में सबसे पहले आपके हाथ में सबसे पहले फ़ोन आएगा और फ़ोन में आप व्हाट्सअप ओपन करेंगे और इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन सेंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ कहाँ से जीके के क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो है त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना, ठीक है। तो यह पूर्ण राज्य कब बना, ये सबसे पहले 1956 में से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया होगा कि त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना था, तो 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नर्मदा नदी सीहोर जिले में किस नाम से जानी जाती है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नर्मदा नदी सीहोर जिले से संबंधित था, ठीक है। तो नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि आपसे वाटरफॉल पूछ ले, दुग्धारा वाटरफॉल कहां पर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, नर्मदा नदी कहां पर गिरती है, अंत कहां पर होता है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, नर्मदा नदी से। गन्ने की फसल सबसे ज्यादा कहां पर होती है, गन्ने की फसल सबसे ज्यादा कहां पर होती है। तो यदि दोस्तों राज्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है और मध्य प्रदेश का जो जिला है नरसिंहपुर, तो मध्य प्रदेश की यदि जिला पूछा गया होगा यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक यहाँ पर उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा ही बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये आपका साइंस से हो जाएगा, विटामिन डी को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आया है, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही और दूसरे विटामिन भी पूछे जा सकते हैं आपसे आने वाली शिफ्टों में, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, तो विटामिन बी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, थायमिन बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी को अपन क्या बोलते हैं, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको विटामिन के जो रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम भी आपको याद करके जाना होगा एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे यहाँ से संबंधित बीमारियाँ भी पूछी जा सकती हैं, ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी होती है, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से एस्कॉर्बिक और डी की कमी से क्या होती है, तो जो है आपका सुखी रोग उसे होता है, ठीक है, डी की कमी से। इस प्रकार से आपके विटामिन और इससे संबंधित बीमारियां पूछी जा सकती हैं आने वाली शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह आपको बताना था। तो यहां पर कर्णावली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है। आईपीएल 2021 कहां हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 2021 कहां हुआ था, तो आईपीएल 2021 हुआ था संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, आईपीएल 2021 का आयोजन किया गया था, ठीक है। अगली शिफ्ट में हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि आईपीएल 2021 का विजेता कौन था, तो चेन्नई सुपर किंग जो थी आईपीएल 2021 की विजेता थी, कौन थी, चेन्नई सुपर किंग। अगला क्वेश्चन था, सबसे तन्य धातु कौन सी है, सबसे तन्य धातु कौन सी है यहाँ पर, तो सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, सोना हो जाती है। तन्य का यहाँ पर मतलब ये होता है उसको कितना भी खींच दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, ठीक है, कितनी अधिक लंबाई तक उसे खींचा जा सकता है, ये होती है आपकी तन्य धातु। तो सोना जो होती है ये सबसे तन्य धातु होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य अपना कौन सा हो जाता है, नौरादेही हो जाता है। नौरादेही की जो क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 1197 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नौरादेही का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 1197 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है अभ्यारण्य। और आपके जो
नेशनल पार्क है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके संबंध में एक वीडियो बनाई गई थी चैनल पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अभ्यारण्य है यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की, ठीक है। न्यूटन के नियम से संबंधित पूछा गया था, न्यूटन का शायद दूसरा नियम वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो न्यूटन का एक, दो और जो थर्ड, तीनों लॉ हैं, यह तीनों लॉ आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला जो क्वेश्चन है यह पूछा गया था, भूख व प्यास का केंद्र क्या है, भूख व प्यास का केंद्र क्या है, ठीक है। तो मानव शरीर में भूख व प्यास का केंद्र जो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो ये भूख और प्यास का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भीम बैटिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन पर अपन बात करते हैं। भीम बैटिका की खोज किसने की थी, तो विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में, कब 1957 में भीम बैटिका की खोज की थी विष्णु श्रीधर ने, ठीक है। भीम बैटिका को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, ये आपको बताना है। तो भीम बैटिका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के तीन स्थान ऐसे हैं, एक तो आपका खजुराहो जिसे 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। खजुराहो का निर्माण किसने, चंदेलों ने करवाया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। दूसरा आपका सांची है, सांची के स्तूप, इनके 1989 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में, ठीक है। इसे जो है अशोक सम्राट अशोक ने बनवाया था। और तीसरा भीम बैटिका है। तो ये तीनों है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो मल्हार होलकर जो थे, इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी, किसने, मल्हार होलकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तानसेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तानसेन उत्सव संगीत संगीत कहाँ पर होता है, ठीक है। तानसेन उत्सव कहाँ पर होता है, या फिर तानसेन की जो समाधि है यह कहाँ पर स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए अगर तानसेन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें ग्वालियर रहता है तो उसका सही आंसर ग्वालियर ही होता है, ठीक है। तानसेन उत्सव कहाँ पर होता है, तो यह एक जो तानसेन उत्सव है यह शास्त्रीय संगीत के उसमें फॉर्म में किया जाता है और यह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तानसेन की यदि हम बात करते हैं समाधि कहाँ पर है, तो तानसेन की समाधि भी आपकी ग्वालियर में हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से तानसेन से आपके क्वेश्चन देखने को आगे भी मिल सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, ठीक है। एनवायरमेंट से क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पर आपकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है समुद्र में मिलती हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में वहाँ पर बनाती हैं डेल्टा, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है ये मिलकर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। जो नर्मदा नदी है ये क्या बनाती है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं इस पूरे सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बना है। तो आपको समाधियों से संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तात्या टोपे की अभी जब दूसरी शिफ्ट होगी, यहाँ से दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएंगे, या फिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, ये शिवपुरी में है, ठीक है। ऑप्शन जो रहा होगा आपका शिवपुरी सही रहा होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान से संबंधित हमारे अभी हमारी जो हाई कोर्ट की क्लासेस हो रही हैं उन क्लासेस को आप देख सकते हैं राज्य व्यवस्था की, ठीक है। देखिए संविधान की दो क्लासेस आप लोग कवर कर लीजिएगा, हाई कोर्ट स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड टू और ग्रेड थ्री के लिए अभी क्लासेस चल रही हैं चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ पर संविधान के लिए एक पहली क्लास हुई थी और एक दूसरी क्लास हुई थी, उन दोनों क्लासेस को यदि आप अटेंड कर लें तो संविधान से आपका 80% पार्ट कवर हो जाएगा और 100% संविधान में क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को अपन बोलते हैं विधि दिवस, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को जब अंगीकार किया गया, बन के तैयार हुआ था, इसी दिन से यह जो है दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस, ठीक है। 26 नंबर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और एरन कहाँ पर है यह आपको बताना था, एरन कहाँ पर है। तो एरन दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह बीना जिले में स्थित है। सागर, एरन एक रिवर भी है, नदी भी है, यह भी आपकी बीना में ही और बीना के सागर में है एरन, ठीक है। यहाँ पर विष्णु बराह की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, ठीक है, जहाँ और यहाँ पर पुरातात्विक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है एरन, ठीक है। अगला है, विश्व पर्यावरण की थीम क्या है, तो विश्व पर्यावरण 2021 की थीम आपको बतानी थी शायद, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण की थीम क्या रही, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन, यह पर्यावरण 2021 की थीम रही थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा
अगला जो क्वेश्चन था, जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो जय विलास महल कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। मलेरिया परजीवी को किसने खोजा था? ठीक है, मलेरिया परजीवी जो होते हैं आपका मादा एनोफिलीज, तो इसे किसने खोजा था? इसे खोजा था लेबरल ने, लेबरल ने इसकी खोज की थी मलेरिया परजीवी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो यूपी को, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सासबहु मंदिर कहाँ पर स्थित? देखिए ग्वालियर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, सासबहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। तेली का महल कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपके आने वाले चैप्टर में पूछा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? तो भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था यहाँ पर? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर रिसाव हुआ था। ठीक है, कब? 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। अगला क्वेश्चन है, चलने फिरने में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, चलने फिरने में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है। ठीक है, अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो युद्ध से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था। युद्ध से संबंधित क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध है। ठीक है, पानीपत का युद्ध है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं हालांकि। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। गौहर महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गौहर महल भोपाल में स्थित है। ठीक है, गौहर महल कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला है, उमरिया जिले में कौन सा बांध स्थित है? तो उमरिया जिले में एक बांध पूछा गया था, वीर सिंहपुर बांध उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, वीर सिंहपुर बांध स्थित है ग्वालियर उमरिया जिले में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो प्रथम जो युद्ध हुआ था यह हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? तो यह जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पहला हुआ था। दूसरा किसके बीच में हुआ था? दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। तीसरा जो हुआ था तो अब्दाली और अंग्रेजों के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध कितने 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। तानसेन मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा, तो यहाँ पर तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। तानसेन संगीत कहाँ पर होता है? तो ग्वालियर में होता है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन एक ही हो, लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से ये बताया हो। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, यह रजनीकांत को 2021 में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यह एक किताब थी और यह किताब किसकी थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यह किसकी किताब थी? यह गांधी जी की किताब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। हैजा किसकी वजह से फैलता है? तो हैजा जीवाणु की वजह से फैलने वाला है। ठीक है, बैक्टीरियल यह एक इन्फेक्शन होता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, बर्जीलियस ने। सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी सूर्य से मिलता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आज की इस वीडियो के, आज के इस फर्स्ट सेप्ट के 36 क्वेश्चन अपने यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट सेप्ट में एग्जाम दिया था या सेकंड सेप्ट में एग्जाम होने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में, इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चंस को जरूर एक बार से मेंशन कर दीजिएगा, यदि कोई क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है तो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेकंड सेप्ट का एनालिसिस जल्द ही आपको मिलेगा चैनल पर ही। ठीक है, 6 बजे, जैसे आपका 5 बजे खत्म होगा तो 6 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।